अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आमिर लोगों से दूर रहे, सबसे ज़्यादा जादू और सफलिंग वही आपके ऊपर कर रहे हैं, तभी आपका कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अमलियात सीखने के लिए, अमल करने के लिए आपको हमारे मदरसे वालों से रابطہ करना बहुत ज़रूरी है। कोई वीडियो देखकर अगर आप अमल करते हैं तो एक उस्ताद की ज़रूरत हमेशा आपको रहेगी। आज का एक ख़ास अमल अपने प्यारों को पाने के लिए और जादू और बंदिश को ख़त्म करने के लिए एक ख़ास अमल। इंशाल्लाह जो भी आपका प्यारा आपसे रूठा है, जो आपसे नफरत करता है, जिसने आपको ब्लॉक किया है, इंशाल्लाह दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अमल से पहले इजाज़त व इस्तखारा ज़रूर करवाएं। कहीं आप पर जादू या बंदिश ना हो जिसकी वजह से अमल कामयाब नहीं हो रहा। ये अमल हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी भी कर सकते हैं और अपने प्यारे को पाने के लिए भी किया जा सकता है, यानी तालब और मतलूब के लिए भी यही अमल किया जा सकता है। अमल का जो ख़ास तरीका है वो आप एक दफ़ा ज़रूर सुन लें ताकि अमल करने में आपको आसानी हो। वक्त कोई भी वक्त हो, दिन जुमेरात जुमे का, दुरूद पाक तीन बार, दुरूद पाक तीन बार आपने पढ़ना है। नमाज पाबंदी से आप ज़रूर पढ़ा करें। अमल की तादाद 301 मरतबा कम ना हो, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। 8 बजे आपको लाइव वीडियो इसी तरह की प्यारे प्यारे अमल की, अमलियात की, जादू जिन्नात कार्ड की आपको मिलती रहेगी। अमल की जो तादाद मैंने आपको बताई है उसमें कमी ना कीजिएगा, अमल ख़राब हो जाएगा। अमल में पढ़ने के लिए जो तरीका आपको समझाया जाए उसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल वही तरीका रखें। लफ्ज़ है अस्समतु अलैकुम या कादिरू या वदूदू। 301 मरतबा पढ़कर जो आपसे नाराज़ है, हस्बैंड वाइफ के मसले में शोहर के कपड़ों पर दम करें, अगर बीवी नाराज़ है तो बीवी के कपड़ों पर दम करें। इंशाल्लाह ये अमल करते ही आपका जो प्यारा है आपसे नाराज़गी भी ख़त्म कर देगा और हाजिर भी हो जाएगा। अगर किसी को अरबी पढ़ना नहीं आती, ज़िक्र ज़िक्रात करना नहीं आता, या कोई ऐसा बहन भाई जिन्होंने कुरान पाक वगैरह नहीं पढ़ा, तो इस नक्श को 3 दिन लिखकर अपने गले में पहन लें। ये नक्श ख़ास 3 दिन अपने गले में ज़रूर पहनें। पहनने के बाद 3 दिन बाद आपका प्यारा अगर आपको छोड़ कर गया है वापस भी आ जाएगा और आपसे रابطہ भी करेगा इंशाल्लाह ताला। ये नक्श तुआ है, ठीक है, इनमें सारे हरूफ तुआ हैं, ठीक है, ये तमाम हरूफ तुआ हैं, तो ये तुआ का नक्श है, तो ये ज़रूर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें। अपने प्यारे को पाने के लिए जो मैंने ऊपर आपको पढ़ के सुनाया है, जिक्र अस्समतु अलैकुम या कादिरू या वदूदू, तस्वीर सामने रखें और 301 मरतबा पढ़कर तस्वीर पर दम कर दें। जैसे ही तस्वीर पर दम करेंगे जो आपका प्यारा है वो इस कदर बेचैन हो जाएगा कि आपके बगैर उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अमल 7 दिन तक करें, क्योंकि ये अमल मियां बीवी के लिए भी उतना ही अफजल है जितना अपने प्यारों को पाने के लिए अफजल है। निकाह के लिए, शादी के लिए,
اس ذکر کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ضرور کریں. آپ کا پیارا حاضر بھی ہوگا. اگر اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے, اگر وہ ناراض ہے, روٹ گیا ہے, مان نہیں رہا, تو یہ عمل ضرور ایک دفعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ عمل موکل ہے, یہ دعا کے موکل ہے. جو یہ عمل خاص طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ آپ کو کہیں پر بھی کسی چینل پر نہیں ملے گا. اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور فیس بک انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں تاکہ کہیں بھی ہم ہوں گے رابطہ کریں گے. غلط نہ کریں عمل کو. غلط کیا تو پھر عمل کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوبارہ آپ عمل کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگا. عمل سے پہلے استخارہ ضرور کروائیں. جزاک اللہ خیرا. یہ ایک بہت پیارا عمل ہے, ایک دفعہ ضرور کریں. السلام علیکم پیارے بہن بھائیو, اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, سٹی, کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان, یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں. اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے, یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. جزاک اللہ.